हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वीएमवेयर वर्कस्टेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन का जो सेटअप है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है वीएमवेयर ऑफिशियल वेबसाइट से। आप देख सकते हो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 16.2.3। तो ये सेटअप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले इसके ऊपर राइट माउस क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कीजिए। आप अब यहाँ पर रन ऑप्शन आएगा, रन को क्लिक कीजिए, उसके बाद यस। अब दोस्तों, सबसे पहला जो स्क्रीन है, वेलकम टू द वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्रो सेटअप विजार्ड, इसके ऊपर आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद ये एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है, टिक करके लिखिए। यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ है, टिक करके आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये पूछा कंपेटिबल सेटअप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म WHP ऑटोमेटिकली। ये ऑलरेडी अनटिक है, तो इसकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कस्टम सेटअप, ठीक है। ये जो ऑप्शन आ रहा है इनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर, आप इसको जैसे आप टिक करोगे तो ये करेगा, आप रीस्टार्ट करने के लिए पूछेगा जब ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीट। तो मुझे इसको बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और ये एक इसमें एक टिक हो रखा है, एड वीएमवेयर वर्कस्टेशन कंसोल टूल इन द सिस्टम पाथ, तो इसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछा यूज़र एक्सपीरियंस सेटिंग्स, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक हो रखे, ये इसलिए चेक है क्योंकि जब भी कभी कोई लेटेस्ट अपडेशन आता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होना स्टार्ट कर देगा, जिसको मैं अभी अनटिक कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैनुअली ये अपडेट होए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल। अब सेटअप आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है हार्डवेयर की। अभी सेटअप की फाइल्स को कॉपी कर रहा है। अभी सेटअप आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो आपका आइकन है, देखो वीएमवेयर वर्कस्टेशन का आइकन बन चुका है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब ये वीएमवेयर वर्कस्टेशन का जो ये एप्लीकेशन है, ये ओपन हो चुकी है। अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। I hope you are enjoyed this video. Thank you so much for watching this video.